अब हम लोग आए हैं जम्बू, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू, जो कि 2 महीने पहले ही बन के ओपन हुआ है। और दिखाता हूँ मैं आपको इसके अंदर कैसे कैसे जानवर है, और अभी ये पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको जम्मू का जू। और दोस्तों आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट होगी, सर्दी के कारण मेरे थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए घुमाते हैं आपको मेरे साथ जम्मू का चिड़ियाघर। अगर आप जम्मू के चिड़ियाघर के अंदर एंटर हो गए तो आप देख सकते हो ये यहाँ का पार्किंग एरिया है। जब पार्किंग एरिया इतना बड़ा है तो लगा लो कि जू एरिया कितना बड़ा होगा। और सामने आप देख सकते हो पेंटिंग क्या खूबसूरत लग रही है। और ये जू जो इतना भी है ना, पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है और ये 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अब अंदर से दिखाते हैं आपको। और अभी मैंने पता किया ये चिड़ियाघर पूरा 5 किलोमीटर का है, बट अभी जो जानवर है 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। और इतनी गर्मी है यहाँ पे, इतनी गर्मी है इसी कारण यहाँ पे अभी जानवर कम है। अभी नवंबर के बाद यहाँ पे जानवर और आ जाएंगे, फिर और मज़ा आने वाला, और भीड़ लगने वाली है। और अभी इतनी भीड़ है नहीं, तो आप अभी मस्त अकेले में आके घूम सकते हो। तो चलिए मैं आपको जानवर दिखाता हूँ, चले तो जू घूमने आए। तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है दीपक, पंकज जी, अभिनव, और हमारा फर्स्ट टाइम होगा जम्मू का चिड़ियाघर घूमने का। और मेरे साथ साथ मेरे सब्सक्राइबर, इनका भी पहला बार टूर होगा जम्मू का चिड़ियाघर। तो चलिए पहला जानवर से हम स्टार्ट करते हैं। पहला जानवर से हमारी स्टार्टिंग होती है सांभर। देख सकते हो सामने में वो दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो दिख रहा है चेहरा उसका, कान कान, वो सांभर है। इतना दूर है, और ये जो जगह है ना, एक जानवर के लिए इतना बड़ा है, ये देख सकते हो आप। मेरे साथ अभिनव है जो कि बिहार से आए। और भाई अभिनव कुछ बोलना चाहोगे हमारी पब्लिक के लिए? हाँ भाई, कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तब आप भी कुछ करिए इन लोगों के लिए। हाँ, सब्सक्राइब करिए। हाँ, देखिए कितना मेहनत लग रहा है, हम लोग जो करते हैं आप लोग के लिए करते हैं, ताकि आप लोग को पता चल सके इतना पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पर जो गुजरा है वो आप लोग पर नहीं गुजरे, इसलिए हम लोग आपके लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों इसके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। ये यहाँ का लैपटॉप है, देख सकते हो दोस्तों। यही बोल रहे पानी डाल जाएगा। हेलो, अरे बाबू रे, सुन रहा है मेरा आवाज़, नंगी क्यों बुला? अरे पानी डाला जा रहा, उठाया जा रहा बेचारे को। अरे कुछ बोल दे भाई, जान अंदर को सुन, तब मजा आएगा। बेचारे की नींद तोड़ दी, सोया हुआ था आराम से, नींद ही तोड़ दी उसे, पानी डाल के उठा दिया क्या? ये नहीं बोलना, एक देना देना। ये देखो कितना, ये तो काफी खतरनाक मजा दिला दे। उठ जा भाई, थोड़ा सा वॉक वॉक कर ले यार, जा मेहराब से मिल ले। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, पानी मत फेंको। इस बेचारे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, शेर की आवाज निकालो, शब बिल्ली की आवाज, वैसे नींद मारना है तो मारना ही है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आग लगे मस्ती में, अपनी मस्ती में। तो दोस्तों ये यहाँ का लेपर्ड है, मैंने आपको दिखा दिया, अब चलते हैं नेक्स्ट जानवर की तरफ। तो चलिए, ये मोर है यहाँ का। वैसे तो मोर बहुत देखे हैं मैंने, बट आपको जूम में देखने का लेवल जो होता है नेक्स्ट लेवल का होता है। ये देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है, इसके रंग देखो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। वो कोई दूसरा मोर है क्या सामने में, जो मुर्गी है? अच्छा मुर्गी है, मोर नहीं है, मोर नहीं है। वो जो सामने आप देख रहे हो टर्की है, वो टर्की है, बाकी ये पिकॉक है, हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी। हाँ वो, एक मिनट चीज और है, वो सामने देखो नेवला भी आ रहा है, वो मोर के पीछे नेवला। अः सॉरी नेवला नहीं है, हाँ कोमोडो ड्रैगन बोलते हैं इसे। ये वैसे इसके अंदर नहीं था, ये मतलब कहीं और से लाया गया है। ये कोमोडो का प्रजाति का साइज लगता है। इस चिड़ियाघर में उतनी भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो उतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे। और जिन जिन लोगों को पता चलते जा रहा है कि चिड़ियाघर ओपन हो चुका है यहाँ पर, तो लोग आते जा रहे हैं, विजिट करते जा रहे हैं। तो अब मैंने आपको मोर दिखाया, अब चलते हैं हम नेक्स्ट जानवर की तरफ। तो चलिए, हम लोग यहाँ से आए थे और हम लोग को अब इस रास्ते में जाना है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर ट्रैक है, और यहाँ पे इस रास्ते से ये 5 किलोमीटर हो जाएगा अगर इस रास्ते जाएंगे, बट अभी जानवर है नहीं तो कोई फायदा है नहीं जाने का।
और इस रास्ते में अभी जानवर है तो हमें इस रास्ते से जाना पड़ेगा। तो चलिए इस रास्ते चलते हैं। आप देख सकते हो उस चिड़ियाघर की एक ही खूबसूरती है कि पहाड़ों पे है और यहाँ से जो आपको व्यू मिलता है देखने को, वाओ गाइस देखो सामने से। और हमारे भाई थोड़ा फोटो खिंचवाते हुए सामने से, और ये देखो क्या खूबसूरती है। बस ये जू आने वाले टाइम पे, मैं सही बता रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया का क्या पूरे एशिया को हिट कर देगा, क्योंकि इतना खूबसूरत होने वाला है ना आने वाले टाइम पे ये जू। आप ये देख सकते हो सामने में बंदर, छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं। आगे अभिनव हमारा थक चुका है, गर्मी से बुरगुली लोटपोट है। अभिनव कोई दो शब्द, गर्मी से हालत खराब मत देखी। सो दोस्तों सामने आप देख सकते हो नीलगाय। वैसे तो आप लोगों ने नीलगाय बहुत देखा होगा, बट जम्बू का नीलगाय आप देखिए आज। अच्छा। कि जम्बू का कैसा होता है नीलगाय, और आज नीलगाय झाड़ी के पीछे छुपा हुआ। सो दोस्तों आप देख सकते हो काकड़, ये जंगली भेड़ है। सो दोस्तों देख सकते हो ये काकड़ है, अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत पास में है, मतलब इतने पास में मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है। जब आप जम्बू जू आते हो तो आपको जू वाला फील नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मैं जंगल आया हूँ, बाकायदा ओवरऑल जंगल वाला फील आता है और बिल्कुल नेचर भाई। अब एक चीज़ और बता दूँ, मौसम में थोड़ा सा गिरावट आई, अब थोड़ा मौसम बहुत अच्छा हो गया यहाँ का सुहाना सा, और मैं तो बिल्कुल ही पसीने में भीग चुका हूँ। सो कोई नहीं, इतना आपके लिए तो कर ही सकते हैं कष्ट। चलते गाइस अब नेक्स्ट जानवर की तरफ। तो चलिए, मुझे पता है आप लोग को बहुत कम जानवर देखने को मिल रहा होगा और मुझे खुद जानवर देखने को कम मिल रहा है, उसका कारण है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी के कारण जानवर झाड़ियों में छुप जाते हैं, छाँव में, और यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है, झाड़ी में छुप जाते हैं तो जानवर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाय द वे कोशिश करूँगा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानवर दिखाने की। अब हमारा नेक्स्ट जानवर भालू है, तो चलते हैं हम आपको भालू दिखाते हैं, और ये भालू पहाड़ी भालू है। चलिए भालू दिखाते हैं आपको, ये सामने आप देख सकते हो भालू लेटे हुए हैं, ये गर्मी इतनी हो रही है, इतनी गर्मी की वजह से सब रेस्ट कर रहे हैं छाँव में छुपे हुए हैं। और ये पहाड़ी भालू है, ये पहाड़ियों से पकड़ के लाए गए यहाँ पर, और देख सकते हो गाइस वैसे इनका रंग देख सकते हो क्या चटक रंग है इनका, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इनका एरिया देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ पसीने से, आप देख सकते हो पूरी शर्ट गीली हो गई। सो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, जब आप पूरा जू में घूमोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से बैठने की हर जगह सीटिंग मिल जाएगी। देख सकते हो तेंदुआ बिल्ली, मतलब ये जंगली बिल्ली है, देख सकते हो ये बिल्ली ये रही इस पेड़ पे बैठी हुई। एक मिनट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो हट जा, हमारी जनता को तुझे देखना है, सामने आ। दोस्तों बिल्ली धूप की वजह से छाँव में छुपी हुई है, मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ गई है, अब ये हिल ही नहीं रही वहाँ पे। आप लोग ने गुलाब तो देखा होगा बहुत, पर ये पहाड़ी गुलाब है, वो देखो सामने में, ये देखो ये रहा ये रहा, ये देखो ओए वो लेटा हुआ है छाँव में, अब वो देखो पैर उठा के सो रहा है। हेलो कर दे भाई जनता को, भाई कितनी प्यारी स्माइल दे रहा है गाइस। तो ये पहाड़ी गुलाब है और ये कांच के अंदर है, ये पूरा आप देख सकते हो, ये इसका पूरा पिंजरा है और ये पूरा पिंजरा शीशे का है। आपने देख लिया होगा ये सारे जानवर हैं यहाँ पर, काफ़ी जानवर अभी हैं नहीं यहाँ पे, और कुछ जानवर धूप की वजह से छाँव में छिप रहे हैं, तो मुश्किल तो हो रहा है जानवर दिखाना, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ जानवर दिखाने का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जानवर की तरफ, और बस ये 1.5 किलोमीटर का था लगभग अब ख़त्म ही है जू, देखते हैं अब अगले जानवर क्या देखने को मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा, देख सकते हो सामने में हिरन, ये देख सकते हो आवाज मार के बुलाया जा रहा है इसको। जानवर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है, अब लास्ट बच्चा है सांप घर, तो अब आपको हम सांप घर लेके चलते हैं। हम लोग आ गए सांप घर,
तो चलो आपको सांप दिखाते हैं कैसे कैसे प्रकार के यहाँ सांप है। चलिए अंदर चलते, अंदर से दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हो द बोया सांप सामने में। अभी फिलहाल मेरा शक्ल दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो सामने में, ये बहुत छोटा सांप होता है। दूसरा ये नेपाल, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, चाइना, हर जगह पे सांप पाया जाता है। कोने में दिख रहा होगा, एक कोने में लेटा हुआ है, देख सकते हो सामने में। एक ग्वेल सांप है, अभी इसने अपनी खाल छोड़ रखी है, एकदम गोल्डन कलर में चमक रहा है। देख तो ये रहा कोबरा, हो रहा कोने में। तो दोस्तों देख सकते हो ये यहाँ का सांप घर है। तो दोस्तों आई होप मैंने आप लोगों को सांप दिखा दिए होंगे, बट अभी जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे अभी ये बन के तैयार हुआ था, उतने जानवर है नहीं, उतने सांप अभी है नहीं सांप घर में। सो गिने चुने सांप हैं जो कि मैंने, जो सांप थे मैंने आपको दिखा दिया है। और चलते हैं बाहर की तरफ, मैं आपसे बाहर मिलके बात करता हूँ, चलिए चलते हैं। सो दोस्तों जम्मू का चिड़ियाघर मैंने आप लोग को घुमा दिया, और कैसा लगा ये चिड़ियाघर ज़रूर कमेंट करके बताना। और मुझे पता है यहाँ पे आप लोग को थोड़ा कम जानवर देखने को मिला होगा। क्या है कि दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, गर्मी की वजह से कुछ जानवर पेड़ छाँव में चले जाते हैं, छुप जाते हैं, और कुछ जानवर अभी नवंबर में यहाँ आने बाकी हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जितने भी थे जानवर मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर है, यहाँ से नेचर से ओवरलोडेड है पूरा। मैं बताऊँ चिड़ियाघर कम, आपको फॉरेस्ट वाला बिल्कुल फील आया कि आप जंगल के बीच में आए हो, इतना खूबसूरत दोस्तों। और ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ तक कि देखो दोस्तों इतनी मतलब कि भीषण गर्मी यहाँ पे कि आप मेरे शर्ट खा सकते हो, पूरा भीग चुका हूँ पसीने में। बाकी कोई नहीं, इतना बस आप सबका प्यार है, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हम आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।